Vayam Prabha. Digital India. Educated India. वेल स्टूडेंट्स दिस इज़ माई ट्वेल्थ लेक्चर मैंने मेंज़ अजय कुमार सिंह असिस्टेंट प्रोफेसर फैकल्टी ऑफ लॉ बी एच ओ यह मेरा आपराधिक विधिका लॉ ऑफ क्राइम का ट्वेल्थ लेक्चर है जिसका टॉपिक है शमन वारंट अटैचमेंट एंड प्रोकलमेशन आपराधिक मामलों में अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए कैसे कंपेल किया जाए विवश किया जाए जा जिससे कि वो न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो और मामला आगे ट्रायल के लिए ले जाया जाए और इस बात का ट्रायल कोर्ट इस बात को निश्चित करे कि अभियुक्त दोषी है या निर्दोष है तो यह सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय के द्वारा मुख्यतः चार प्रकार की आदिशिकाएँ जारी की जाती हैं समन है वारंट है गैर जमानती वारंट और उद्घोषणा प्रोकलमेशन एंड देन अटैचमेंट जिसको हम हिंदी में कुर्की बोलते हैं स्क्रीन के माध्यम से आप देखें मैंने ये जो स्क्रीन पर लिखा हुआ है समन वारंट उद्घोषणा तथा तो कुर्की उसके पश्चात की प्रक्रिया क्या है मैंने इसको अलग अलग चार जैसे आप जानते हैं कि समन है वारंट है उद्घोषणा है कुर्की है ये चार कोर्ट के प्रोसेस हैं कोर्ट के आदेश हैं और इन्हीं चार आदेशों के माध्यम से न्यायालय अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष उपस्थित करने के लिए विवश करती है तो पहला देखते हैं सम्मन सेक्शन एट सिक्सटी समन क्या है समन की परिभाषा क्या है और इसके कंटेंट क्या है मैंने लिखने का प्रयास इस स्लाइड पे किया है तो समन मैंने लिखा है कि धारा इकसठ के अनुसार न्यायालय के द्वारा जारी किया गया एक आदेश उद्देश्य क्या है कि न्यायालय में अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करना समन का प्रारूप क्या है ये ड्राफ्ट जो है अनुसूची दो के प्रारूप एक में दिया गया है फॉर्म नंबर एक में दिया गया है अनुसूची आपको जहां मालूम होगा कि सी के अंतर्गत धाराएं भी दी गई हैं अनुसूचियां भी दी गई हैं तो अनुसूची सेकेंड शेड्यूल में शमन के प्रारूप को बताया गया कि समन में क्या क्या चीजें होंगी तो आपराधिक मामलों में अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष हाजिर होने के लिए न्यायालय के द्वारा जारी किया गया आदेश समन हो सकता है वारंट हो सकता है कि उसे गिरफ्तार करके अरेस्ट वारंट जारी किया जाए गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष लाया जाए और यदि गिरफ्तारी वारंट जारी करने के पश्चात भी अभियुक्त न्यायालय के समक्ष उपस्थित न हो तो क्या होगा ऐसे अभियुक्त को उद्घोषित किया जाएगा भगोड़ा घोषित किया जाएगा और उद्घोषणा के पश्चात भी यदि न्यायालय के समक्ष अभियुक्त उपस्थित नहीं होता है तो उसकी संपत्ति कुर की जाती है अटैच की जाती है और संपत्ति कुर्क करने का भी उद्देश्य है संपत्ति कुर्क कर दी जाए तो भी अभियुक्त न्यायालय के समक्ष उपस्थित न हो तो प्रक्रिया क्या होगी आप ये देखें कि जितना बड़ा अपराध होता है उतनी ही टफ प्रक्रिया अपनाई जाती है इसको साधारण भाषा में यदि हम बोलें तो अपराध जितना गंभीर होगा जितना जघन्य अपराध होगा न्यायालय के द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया भी उतनी ही टफ होगी तो नहीं कठोर होगी उदाहरण के तौर पर यदि अभियुक्त के द्वारा किया जाने वाला अपराध संज्ञेय है अजमानती अपराध है जिसो इस अनुसूची द्वितीय अनुसूची में संज्ञे और अजमानती रूप अपराध के रूप में दर्शित किया गया है और अभियुक्त गिरफ्तार नहीं हो पाया है पुलिस ने उसको अरेस्ट नहीं कर पाई है अभियुक्त फरार चल रहा है तो जब तक अभियुक्त अरेस्ट नहीं होगा न्यायालय के समक्ष उसे उपस्थित नहीं किया जाएगा तब तक उस मामले में न्यायालय कोई भी आगे कार्रवाई नहीं कर सकती है उस अपराध घटित होने के पश्चात अपराधी का अरेस्ट किया जाना गिरफ्तार किया जाना और न्यायालय के समक्ष उसे प्रस्तुत करना कोर्ट के द्वारा संज्ञान लेना आरोप तय करना और इस निष्कर्ष पर पहुंचना कि अब अभियुक्त अपराध किया है या नहीं है यह तभी संभव होगा जब अभियुक्त न्यायालय के समक्ष या तो सरेंडर करे या अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष गिरफ्तार करके लाया जाए तो प्रायः ऐसा देखने में आता है कि अभियुक्त अपराध करने के पश्चात घटनास्थल से यदि पुलिस ने उसको गिरफ्तार नहीं किया तो वह फरार होने की फिराक में होता है और फरार हो जाता है तो फरारी की स्थिति में यदि अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष विवश करने के लिए कि वह उपस्थित हो टू कंपेल द एक्यूज सो दैट ही कैन बी ब्रॉड बिफोर द कोर्ट या न्यायालय के द्वारा अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए विवश करना अरेस्ट वारंट जारी किया जाए अरेस्ट वारंट का उद्देश्य भी अगर वह निष्फल हो जाता है तो ऐसी स्थिति में कौन सी आदेश कौन कौन सी आदेशिका जारी किया जाए कोर्ट कौन से इनिशिएटिव ले जैसा कि मैंने बताया प्रोक्लेमेशन और तीसरा उद्घोषणा करने के पश्चात भी अभियुक्त न्यायालय में नहीं आता तो स्वाभाविक उसकी संपत्ति को कुर कर दिया जाए अटैच कर दिया जाए यह एक प्रकार से अभियुक्त के ऊपर दबाव बनाने के माध्यम है न्यायालय इन इन आदेशिकाओं के माध्यम से अभियुक्त की न्यायालय में उपस्थिति सुनिश्चित करता है तो एक बात ये क्लियर हो गई कि ये समन है वारंट है उद्घोषणा है कुर्की है ये न्यायालय के द्वारा निर्गत किए गए एक प्रकार के आदेश हैं ऑर्डर हैं दैट इज अ काइंड ऑफ ऑर्डर इशूड बाय द कोर्ट टू फॉरवर्ड टू कंपेल द क्यूज सो दैट ही कैन सरेंडर हिमसेल्फ सो दैट ही कैन अपीयर बिफोर द कोर्ट तो न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए एक प्रकार की ये आदेशिकाएँ जारी की जाती हैं तो पहले देखते हैं शमन धारा सिक्सटी के अंतर्गत शमन क्या है सी की धारा 61 सिक्सटी के अनुसार समन न्यायालय के द्वारा आपराधिक मामलों में जारी किया गया वह आदेश है जिसके अंतर्गत अभियुक्त का नाम उसके द्वारा किए गए अपराध का नाम अपराध की तारीख और समय का उल्लेख किया जाता है और समन आपने देखा होगा कि तो समन के तत्व तो कंटेंट मैंने बताए समन और समन मामले दोनों अलग अलग चीज़ें हैं कंफ्यूजन कभी कभी छात्रों को होता है शमन यह जो मैं बता रहा हूं और समन मामले समन केस दोनों अलग अलग हैं शमन केस सेक्शन टू स्क्रीन पर देखें सेक्शन टू डब्लू में समन केस को दिया गया है कि समन मामले क्या हैं उसको समन मामले तो समन मामले से तात्पर्य उन मामलों से है जो मृत्युदंड आजीवन कारावास दो वर्ष से भिन्न दो वर्ष के अधिक से भिन्न कारावास से दंडनीय अपराध हैं अर्थात साधारण शब्दों में कहें तो वे सभी अपराध जो दो वर्ष तक के कारावास से दंडनीय होते हैं समन मामले कहलाते हैं तो समन मामलों में सामान्यतः न्यायालय के द्वारा समन आदेशिका जारी किया जाता है और अभियुक्त को समन जारी करके न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए किया जाता है उस समन में कंटेंट क्या क्या चीजें सम्मिलित होंगी न्यायालय यह प्रारूप दिया गया है सेकेंड शेड्यूल में उसमें सबसे ऊपर समन के प्रारूप में अगर मैं संक्षेप में बताऊं, तो समन के प्रारूप में सबसे ऊपर न्यायालय का नाम न्यायालय के आ, किस न्यायालय के द्वारा निर्गत किया गया न्यायालय का नाम उसके पश्चात अभियुक्त का नाम अभियुक्त का पूरा डिटेल पूरा विवरण अभियुक्त के द्वारा अभियुक्त का नाम पता उसकी पहचान निवास स्थान उसके द्वारा किए गए अपराध अपराध की प्रकृति जमानती अजमानती समन मामला आ चुकी है दो वर्ष से कम से कारावास से है तो ये अजमानती मामले होते हैं और असंगे मामले होते हैं और अपराध किए जाने की तारीख और समय का उल्लेख किया जाता है स्क्रीन पर मैंने आपको देखें मैंने एक और भी लिखा है कि कब किस मामले में आपराधिक न्यायालय समन से समन से एग्जेप्ट भी कर सकती है वह धारा 205 में दिया हुआ है कि अभियुक्त की व्यक्तिगत उपस्थिति कब माफ़ किया जा सकता है अभियुक्त की व्यक्तिगत उपस्थिति माफ़ करने की पावर सेक्शन 205 में कोर्ट को दी गई है कि कोर्ट का एन एन एक्यूज एक टू अपीयर पर्सनली बिफोर द कोर्ट न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत उपस्थिति से माफ़ किया जा सकता है यदि वे छोटे मामले हैं उसमें केवल मात्र वे अपराध जो मात्र जुर्माने से दंडनीय है जिसमें मात्र पाँच सौ रुपये के जुर्माना लगाने ऐसा अपराध है कि जो केवल जुर्माने से दंडनीय है तो ऐसी स्थिति में अभियुक्त की व्यक्तिगत उपस्थिति से उसे छूट देते हुए न्यायालय कह सकता है कि वह अपने प्लीडर या अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में अपने मामले को रख सकता है और उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी जा सकती है ये प्रावधान धारा 205 में किया गया है अब समन के पश्चात आते हैं स्लाइड पर देखें कि समन इशू कर दिया गया कोर्ट के द्वारा तो समन की तामील कैसे होगी कैसे इसको एग्जीक्यूट कराया जाएगा एग्जीक्यूशन ऑफ़ समन समन को सर्व कैसे सर्विस ऑफ समन कैसे होगी तो समन पुलिस अधिकारी के द्वारा जिस थाने के जिस थाने के क्षेत्राधिकारिता के भीतर अभियुक्त निवास करता है उस अभियुक्त को उस पुलिस अधिकारी के द्वारा समन रिसीव कराया जा सकता है जहाँ तक संभव हो अभियुक्त को व्यक्तिगत तालीम इसको जहाँ तक संभव हो अभियुक्त को व्यक्तिगत रूप से सर्व किया जाए सम्मन जिससे वह बाद में ना कह सके कि हमको सम्मन प्राप्त न हुआ तो सबसे जो द बेस्ट मेथड ऑफ़ सर्विस इज टू सर्व सम्मन आ, सम्मन को अभियुक्त को व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध कराना सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है यदि अभियुक्त घटनास्थल से यदि अपने घर पर नहीं है घर से फरार है तो समन की जो दूसरी प्रति है कॉपी है मैंने आपको उसमें देखिए लिखा हुआ है स्क्रीन पर कि उसकी दूसरी प्रति परिवार के किसी वयस्क सदस्य को रिसीव कराया जा सकता है यह प्रायः प्रारंभिक परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सटेंडेड सम्मन क्या है तो जब सम्मन अभियुक्त को तामील न कराया जा सके और अभियुक्त घर पर मौजूद न हो तो धारा 64 पुलिस अधिकारी या न्यायालय के द्वारा नामित ऐसे व्यक्ति को जो समन तामिल करने के लिए नियुक्त किया गया है उस अभियुक्त के परिवार के किसी वयस्क सदस्य को वह समन तामील करा सकता है दे सुपुर्द कर सकता है इसको हम एक्सटेंडेड सम्मन बोलते हैं विकसित सम्मन कि दैट सम्मन कैन बी एक्सटेंडेड टू एनी टू देंबर ऑफ टू एनी मेम्बर ऑफ फैमिली ऑफ द एक्यूज किसी भी अभियुक्त के किसी वयस्क सदस्य पर वह संबंध की तामील कराई जा सकती है धारा 64 में ऐसा लिखा हुआ है तो एक्सटेंडेड समन का प्रावधान कहाँ पर है वह 64 में है प्रारंभिक परीक्षा में प्राय पूछा जाता है पी में भी और ए पी में भी पूछा जाता है तो आप इसको कृपया ध्यान रखें अब यदि कभी ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि परिवार का कोई वयस्क सदस्य भी उपस्थित ना हो सामान्यता जो अपराध होता है तो सारे सदस्य घर से भाग जाते हैं फरार हो जाते हैं ऐसी स्थिति में उस समन को अभियुक्त के घर पर चस्पा कर दिया जाएगा पेश कर दिया जाएगा किसी दृश्यमान स्थान पर इसको हम मानते हैं सब्टिच्यूटेड संबंध है सिक्सटी के अंतर्गत सी की धारा सिक्सटी संबंध तामील करने वाले व्यक्ति को अधिकार प्रदान करती है कि जब अभियुक्त या अभियुक्त के परिवार का कोई सदस्य उसके घर पर न मिल पाए अभ्युक्त के घर पर उपस्थित न हो तो ऐसे संबंध को घर के किसी दृश्यमान भाग पर चस्पा कर दे और वह चस्पा किया जाना भी सम्मान की तामील मान लिया जाएगा हम जिसको धारा पैंसठ के अंतर्गत सब्स्टिट्यूटेड सम्मान बोलते हैं प्रतिस्थापित सम्मान बोलते हैं अब जैसा कि मैंने बताया संबंध साधारणतः छोटे अपराधों में जारी किए जाते हैं और उस न्यायालय के द्वारा समन उन अपराधों में जारी किए जाते हैं जो मृत्युदंड आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं होते या दो वर्ष अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध नहीं होते उन्हीं मामलों में समन जारी किए जाते तो अगर हम व्यवहारिकता की बात करें तो आप देखें कि नाइन्टी नाइन परसेंट मामलों में आपराधिक मामलों में जो समन मामले हैं उसमें समन मामलों में विचारण की जो प्रक्रिया है मजिस्ट्रेट के द्वारा वह भी बहुत ही सरल होती है और उसमें पनिशमेंट भी दंड भी दंड की मात्रा भी बहुत कम है तो प्रायः समन मामलों में समन सर्व करने की बहुत स्थिति आती नहीं है व्यवहारिक रूप में देखा जाए क्यों क्योंकि अभियुक्त के द्वारा अभियुक्त जानता है कि इसमें पनिशमेंट भी कम है और यदि उस न्यायालय के समक्ष न्यायालय की प्रक्रियाओं का अगर वह अच्छर सा पालन करता रहेगा तो उसकी सजा को भी कम किया जाएगा और आफ्टर कन्विक्शन अगर दूषित भी हो जाता है तो उसके सजा को बहुत ही कम नामिनल करते हुए मात्र जुर्माना लगाते हुए भी न्यायालय उसको छोड़ सकती है तो व्यवहारिक सैद्धांतिक रूप में तो समन जारी करना कौन न्यायालय जारी करेगी समन की तामील क्या है ये सब प्रोसीजर दिए गए हैं लेकिन व्यवहारिक रूप में इन इस प्रावधान की उपयोगिता समन मामले की उपयोगिता समन सर्व करने की नोटिस सर्व करने की जो उपयोगिता है वह बहुत कम होती है क्योंकि समन मामलों में स्वयं अभियुक्त न्यायालय के समक्ष अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए कानून का पालन करते हुए समय समय पर जाता है सूचना देता है और चूंकि समन का उद्देश्य है न्यायालय के समक्ष अभियुक्त को आने के लिए विवश करना तो ऐसी स्थितियों में अभियुक्त स्वयं कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए अपने आप को समर्पित करता है कानून के समक्ष अब इसके पश्चात देखते हैं गिरफ्तारी का वारंट देखें स्क्रीन पर गिरफ्तारी वारंट धारा से सेवेंटी में दिया हुआ है अरेस्ट वारंट जिसको हम बोलते हैं अब इस अरेस्ट वारंट में किसके द्वारा यह गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाएगा धारा 80 बताती सत्तर बताती है धारा सत्तर के अंतर्गत वारंट के कंटेंट बताए गए हैं कि वारंट में क्या क्या तत्व सम्मिलित होंगे तो देखें धारा सत्तर के अनुसार यह वारंट न्यायालय के द्वारा निर्गत होगा कब तक प्रभावी होगा जब तक न्यायालय के द्वारा निरस्त न कर दिया जाए या निष्पादित न कर दिया जाए तब तक ये प्रभावी होगा एक महीना दो महीने की बात नहीं है अरेस्ट वारंट जारी किया गया न्यायालय के द्वारा उदाहरण के रूप में समझें आज जारी किया गया एक महीने तक ये प्रभाव में रहेगा दो महीने तक प्रभाव में रहेगा जब दो महीने के भीतर कभी भी न्यायालय के द्वारा उस जारी किए गए गिरफ्तारी वारंट के आदेश के अनुवर्तन में यदि पुलिस अभियुक्त को गिरफ्तार कर लेती है एक महीने के भीतर या दो महीने के भीतर तो जैसे ही उस गिरफ्तारी वारंट को के तहत अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाएगा उसी क्षण यह मान लिया जाएगा कि वारंट निष्पादित हो गया और वारंट का उद्देश्य पूर्ण हो गया और स्वतः समाप्त हो जाएगा या वार न्यायालय के द्वारा स्वयं वारंट निरस्त कर दिया जाए कि वारंट इसको कैंसिल करते हैं तो भी उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा समाप्त हो जाएगा प्रश्न है कि प्रभाव वारंट कहाँ प्रभावी होगा पूरे भारत में कानपुर की यदि न्यायालय ने यदि यदि इलाहाबाद की न्यायालय ने वारंट जारी किया अरेस्ट वारंट जारी किया है तो वह पूरे भारत में प्रभावी हो सकता है जैसे कोई अभियुक्त है अपराध करने के पश्चात हत्या करने के पश्चात कानपुर से फरार होकर के वह चला जाता है कहीं नागालैंड या मिजोरम में तो यहाँ की अगर सत्र न्यायालय के द्वारा या यहाँ की कोर्ट के द्वारा अरेस्ट वारंट उसके खिलाफ़ जारी किया गया है तो उसका प्रभाव पूरे भारत में होगा जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कहीं से भी अगर पकड़ा जाए गिरफ्तार किया जा सकता है पूरे भारत में उसका फोर्स होगा और पुलिस को यह पावर होगा कि कहीं से भी भारत के किसी भी क्षेत्र से अगर उसको पाया जाए तो गिरफ्तार करके लाया जा सकता है तो यह कन्फ्यू यह कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि उसका प्रभाव पूरे भारत में है वारंट अरेस्ट वारंट में क्या क्या चीज़ें सम्मिलित होंगी अभियुक्त का नाम होगा गिरफ्तारी वारंट में अभियुक्त का पूरा डिटेल होगा अभियुक्त की एज उसका निवास स्थान उसके द्वारा किए गए अपराध की प्रकृति जमानती है अजमानती शंगे अपराध है इत्यादि का उल्लेख होगा अपराध का नाम जैसे कि अभियुक्त ने चोरी किया है अभियुक्त ने मर्डर किया है बैंक लूटा है लूट किया है तो उस अपराध का नाम भी होगा किसको संबोधित होगा वारंट सामान्यतः थाने के जिस थाने के अधिकार क्षेत्र के भीतर वो अपराध घटित हुआ है जिस थाने के अधिकार क्षेत्र के भीतर अभियुक्त निवास कर रहा है उस थाने के भार साधक अधिकारी को निर्देशित वह वारंट होता है कि गिरफ्तारी इस वारंट इस आदेश के तहत उसे गिरफ्तार जैसा मैंने बताया वारंट जो शब्दावली है डब्ल्यू ए डबल आर ए एन टी वारंट यह इंग्लिश का शब्द है उसको हिंदी में मैंने वारंट ही लिखा है सम्मान भी इंग्लिश शब्द है उसको मैंने हिंदी में सम्मन ही लिखा है सम्मन का मतलब होता है टू कॉल पुकारना बुलाना उसका शाब्दिक लिटरल मीनिंग जो संबंध का है वह टू रिकॉल द एक्यूज व्यक्ति या व्यक्तियों अभियुक्त को बुलाना वारंट का जो, जो वारंट भी इंग्लिश अंग्रेजी शब्द है वारंट का जो लिटरल मीनिंग है वह है कमांड हा? एक प्रकार का आदेश देना तो वारंट भी आपराधिक मामलों में आपराधिक न्यायालय के द्वारा निर्गत किया गया एक आदेश जिसका उद्देश्य अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए विवश करना है अगर पूछा जाए कि गिरफ्तारी वारंट क्या है तो गिरफ्तारी वारंट की सरल परिभाषा है कि गिरफ्तारी वारंट आपराधिक न्यायालय के द्वारा आपराधिक मामलों में निर्गत किया गया वह आदेश है जिसके माध्यम से अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए विवश किया जा सकता विवश किया जाता है तो यह हो गया अरेस्ट वारंट की परिभाषा अरेस्ट वारंट के कंटेंट क्या होंगे वो मैंने बताया कि धारा सीआरपीसी की धारा सेवेंटी के अंतर्गत आरोप गिरफ्तारी वारंट के कंटेंट बताए गए हैं कि गिरफ्तारी वारंट में अभियुक्त का नाम पता निवास स्थान उसके द्वारा किए गए अपराध की अपराध का नाम अपराध की प्रकृति अजमानती संगे तथा जिस थाने के भार अधिकारी को संबोधित होता है उस थाने के भार अधिकारी पुलिस का नाम इत्यादि का स्पष्ट उल्लेख होता है अब वारंट अरेस्ट वारंट जारी कर दिया गया उसी सीआरपीसी की धारा सेवेंटी वन में प्रावधान किया गया स्क्रीन पर देखें कि अभियुक्त के प्रतिभू दिए जाने पर उसे रिहा किया जाना सीआरपीसी की धारा सेवेंटी वन ये प्रावधानित करती है कि अभियुक्त के द्वारा स्योरिटी देने जाने पर गारंटी दिए जाने पर उसे रिहा कर दिया जाएगा प्रतिभाओं की संख्या एक दो होगी कितनी होगी यह न्यायालय का विवेक है न्यायालय डिसाइड करती है अपराध की गंभीरता के आधार पर प्रतिभाओं की संख्या प्रतिभा की धनराशि कितनी होगी यह कोर्ट इसको फार्म नंबर दो में दिया गया है कि इसका प्रारूप क्या होगा गिरफ्तारी वारंट का यह द्वितीय अनुसूची के प्रारूप नंबर दो में दिया गया है उस प्रा फॉर्मेट क्या है इसका यह सेकेंड शेड्यूल सी सी में दिया गया है अब न्यायालय में उपस्थित होने का समय किस तारीख और समय पर न्यायालय में अभियुक्त को उपस्थित होना है उस गिरफ्तारी वारंट में स्पष्ट उल्लेख किया जाता है गिरफ्तारी वारंट में न केवल अभियुक्त का नाम उसके द्वारा किए गए अपराध की प्रकृति का उल्लेख होता है बल्कि किस न्यायालय के द्वारा निर्गत किया गया गिरफ्तारी वारंट उस न्यायालय का नाम भी उल्लिखित होता है किस न्यायाधीश ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है उस न्यायाधीश का नाम और उसकी मुद्रांकित उसकी सी सी लाइन साइंड होता है उसके द्वारा हस्ताक्षरित और मुद्रांकित किया गया होता है उसमें तारीख और समय का स्पष्ट उल्लेख होता है कि गिरफ्तारी वारंट निर्गत किए जाने के कितने दिन के भीतर अभियुक्त को उस किस न्यायालय में कितने बजे तक उपस्थित होना है किस समय तक उपस्थित होना है और उपस्थित न होने पर यह चूक मानी जाएगी चूक होने पर न्यायालय अभियुक्त के विरुद्ध और दंडात्मक कार्रवाई कर सकता है और कठोर कार्रवाई करते हुए गैर जमानती वारंट जारी कर सकता है और गैर जमानती वारंट जारी करने के पश्चात भी अभियुक्त यदि न्यायालय में नहीं आता तो उसको उद्घोषित करने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है इसका उल्लेख आगे किया जाएगा तो ये हो गया अरेस्ट वारंट किस धारा में सेक्शन सेवेंटी गिरफ्तारी वारंट में क्या क्या चीज़ें याद रखना है ये भी मैंने आपको बताया और गिरफ्तार करने के पश्चात अभियुक्त को प्रतिभू पर छोड़ दिया जाएगा सिकोरिटी गारंटर देने पर यदि उसकी तरफ से कोई व्यक्ति इस बात का पुलिस को आश्वासन देता है न्यायालय को आश्वासन देता है कि अब वह उस प्रकार की अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा और न्यायालय के द्वारा जब कभी बुलाए जाने पर वह अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगा या पुलिस अन्वेषण में वह पुलिस को सहयोग प्रदान करेगा इस बात की गारंटी देने पर अभियुक्त को प्रतिभू सहित या प्रतिभू रहित छोड़ा जा सकता है बंधपत पर छोड़ा जा सकता है रिहा किया जा सकता है अब इसके आते हैं गिरफ्तारी वारंट का प्रभाव है देखें स्क्रीन पर कि इसका इफेक्ट क्या होगा गिरफ्त अरेस्ट वारंट का ये सेक्शन 24 में दिया हुआ है गिरफ्तारी का गिरफ्तारी वारंट का प्रभाव जैसा कि मैंने बताया पूरे भारत क्षेत्र में होगा जैसा उदाहरण के तौर पर समझें यदि मर्डर होता है कानपुर में तो कानपुर की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है अगर यहाँ के द्वारा किसी अभियुक्त के नाम से अगर गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है हत्या के मामले मर्डर के मामले में तो वह पुलिस को पावर होगा कि भारत के किसी भी भूभाग से ऐसे अभियुक्त को अपराधी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी वारंट के आदेशों के अनुवर्तन में उसे कानपुर के सत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए क्योंकि कानपुर की जो सत्र न्यायालय है वह सक्षम न्यायालय मानी जाएगी क्योंकि अपराध इसी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के भीतर घट गट, घटित हुआ है तो यह न्यायालय ही उस मामले में दंड देने की अधिकारिता रखती है इसलिए उस न्यायालय में उसको प्रस्तुत किया जाएगा दूसरा जब न्यायालय के स्थानीय अधिकारिता से बाहर निष्पादित करना हो तो इसे स्थानीय अधिकारता वाले डी एम को डाक द्वारा भेजा जा सकता है यदि किसी दूसरे प्रदेश या किसी दूसरे ज़िले में उसको गिरफ्तारी वारंट को एग्जीक्यूट कराना है तो वहाँ के डी एम को डाक के द्वारा पोस्ट बाई पोस्ट भेजा जा सकता है कि किसी तारीख और समय पर इस अभियुक्त के द्वारा यह अपराध किया गया है और ऐसी सूचना मिली है संदेह है कि आपके इस ज़िले में छिपा हुआ है आपकी आप इसकी गिरफ़्तारी सुनिश्चित करें तो उस जिले के जिलाधिकारी या एसपी को संबोधित करते हुए वह पत्र वह आदेश निर्गत किया जा सकता है न्यायालय के द्वारा अब जिस पुलिस अधिकारी का को निर्देश दिया जाएगा उस पुलिस अधिकारी का नाम पद नाम जिसे निष्पादित करना है अरेस्ट वारंट कौन एग्जीक्यूट करेगा जिस थाने के भारसाधक अधिकारी के वह आदेश दिया जाता है कि आफ्टर हैविंग दिस अरेस्ट वारंट यू आर एम्पावर्ड टू अरेस्ट द एक्यूज इस आदेश को न्यायालय के द्वारा निर्गत किए गए इस गिरफ्तारी आदेश को प्राप्त करने के पश्चात आप उस अभियुक्त को कहीं से भी गिरफ्तार करने के पावर रखते हैं तो ये सेक्शन सेवेंटी फोर के अंतर्गत किया जा सकता है न्यायालय के द्वारा अब किसी स्थानीय अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट के द्वारा भी इस प्रकार से एसडीएम या एसएचओ को वारंट निष्पादित करने के लिए भेजा जा सकता है सेवेंटी फोर में आप देखें कि किसी स्थानीय अधिकारिता वाले एस एच ओ या एस डी एम को वारंट निष्पादित करने के लिए भेजा जा सकता है तो सामान्यतः यह बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है कि जिस थाने के अधिकार क्षेत्र के भीतर अपराध घटित हुआ है उसी थाने का भारसाधक अधिकारी ही न्यायालय से आवेदन करता है कि चूंकि अभियुक्त गिरफ्तार नहीं हो पाया है और चूंकि संगे अपराध है तो संगे अपराध में तो न्यायालय के आदेश के बिना भी गिरफ्तार किया जा सकता है दो बातें याद रखनी हैं एक तो ये जो धारा सत्तर सी का है सेक्शन सेवेंटी अरेस्ट वारंट की बात करता है कि अरेस्ट वारंट कौन इशू करेगा किन परिस्थितियों में अरेस्ट वारंट इशू किया जा सकता है और उस अरेस्ट वारंट का प्रभाव क्या होगा अभियुक्त का नाम अब ये देखें कि मैंने बताया कि चूंकि गिरफ्तारी का वारंट न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है ये तो सैद्धांतिक रूप से सेक्शन सेवेंटी हमने देख लिया इसका व्यवहारिक पक्ष ये है कि जो बड़े अपराध हैं संघे अपराध बड़े अपराध हैं उसमें वारंट जारी करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती उदाहरण के तौर पर यह दंड प्रक्रिया संहिता सी, सी की द्वितीय अनुसूची में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि संगेय अपराध अथवाजमानती अपराध किए जाने की स्थिति में पुलिस बिना न्यायालय के आदेश के अभियुक्त को गिरफ्तार कर सकता है तो जब संज्ञेय अपराध में अभियुक्त को गिरफ्तार करने की पावर पुलिस को है बिना न्यायालय के आदेश के गिरफ्तार कर सकता है तो जो संज्ञेय अपराध अजमानती अपराध हैं बड़े गंभीर अपराध हैं जैसे कि हत्या है बैंक लूट है डकैती है इन अपराधों में पुलिस अरेस्ट वारंट की आवश्यकता ही नहीं होती गिरफ्तारी वारंट के बिना ही पुलिस अभियुक्त को कभी भी कहीं से गिरफ्तार कर सकती है यह सामान्यतः तो उन अपराधों में पड़ती है जो असंघे अपराध हैं। असंघे अपराध में पुलिस बिना गिरफ्तारी वारंट अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं कर सकती है असंघे अपराध जैसा कि मैंने बताया संघिता के प्रथम अनुसूची में असंग्य अपराध से तात्पर्य उन अपराधों से है जिसे संहिता के प्रथम अनुसूची में असंगीय अपराध के रूप में दिखाया गया हो दर्शित किया गया हो और असंघे अपराध में पुलिस बिना न्यायालय के आदेश के व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकती अन्वेषण प्रारंभ नहीं कर सकती तो जब असामानता जो है कहा जाता है कि तीन वर्ष से कम के कारावास से दंडनीय अपराध असंगेय अपराध होते हैं समानता मैंने इसलिए बोला कि जानबूझ करके कि कुछ ऐसे भी अपराध हैं जैसे चोरी है चोरी में अधिकतम सजा तीन वर्ष है लेकिन उसके बावजूद भी वह संघीय अपराध बनाया गया है अजमानती बनाया गया है तो लेकिन ऐसे अपवाद ये अपवाद स्वरूप हैं 99 परसेंट वे सभी अपराध जो तीन वर्ष तक के कारावास से दंडनीय हैं नाइन्टी वे असंघे अपराध होते हैं और उन अपराधों में जिसे संहिता के प्रथम अनुसूची में असंगे दर्शित किया गया है उन अपराधों में पुलिस बिना न्यायालय के इसी गिरफ्तारी वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती है वो इसलिए है कि असंगे अपराध समाज के लिए उतने हानिकर नहीं होते जितने कि संगे होते हैं संगे अपराध में अरेस्ट वारंट की आवश्यकता ही नहीं है संगे अपराध में पुलिस कभी भी अभिद को गिरफ्तार कर सकती है यह अरेस्ट वारंट की आवश्यकता पड़ती है केवल संगे अपराध में अपराध में संगीय अपराध में तो पुलिस बिना गिरफ्तारी वारंट भी अभियुक्त को गिरफ्तार कर लेती है तो ये ध्यान रखना है बहुत ही क्लियर कट डिफरेंस है अब आते हैं कि वारंट सहित गिरफ्तारी पर प्रक्रिया क्या होगी यदि अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है विथ वारंट तो क्या है स्क्रीन पर देखें यदि अपराध जमानती हो प्लस अभियुक्त जमानत के लिए तैयार हो तो एक्यूट शैल बी रिलीज ऑन बेल शैल शब्दावली इसलिए मैंने इसको इंग्लिश में लिखा है कि हिंदी में छोड़ा जाएगा छोड़ा जा सकेगा थोड़ा समझ में नहीं आता अगर हम इसको इंग्लिश के माध्यम से समझेंगे कि इंग्लिश में शैल शब्दावली का मतलब और मे शब्दावली का मतलब क्या है अगर इंग्लिश में मे शब्दावली यूज की गई हो और शैल शब्दावली यूज की गई हो तो शैल शब्दावली आब्लिगेसन को डिनोट करता है ऑब्लिगेटरी है मैंडेटरी है शैल और मे मे नॉट की कोर्ट में रिलीज और मे नॉट रिलीज अर्थात न्यायालय छोड़ भी सकता है और नहीं भी छोड़ सकता है न्यायालय को डिस्क्रिप्शन विवेक है तो मे जो है शब्दावली विवेकी पावर है डिस्क्रिप्सनी पावर है छोड़ भी सकता नहीं भी छोड़ सकता है लेकिन शैल वर्ड का, का यूज किया जाना यह दर्शित करता है कि न्यायालय या पुलिस प्राधिकारी जमानती अपराध में अभियुक्त को जमानत पर छोड़ेगा ही तो जहाँ पर अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाता है वारंट सहित गिरफ्तारी होती है वहाँ पर अभियुक्त को और एक जमानत देने को अपराध जमानती अपराध किया है दो वे अप जमानती अपराध से भी तात्पर्य उन अपराधों से है जो तीन वर्ष तक के कारावास से डरनी है तो ऐसी स्थिति में जमानती अपराध में अभियुक्त जमानत देने को तैयार है तो उसको जमानत पर छोड़ दिया जाता है इसीलिए शेल शब्द शब्दावली यहाँ पर लिखा हुआ मैंने उसको बताया शेल बी रिलीज्ड ऑन बेल किसके द्वारा छोड़ा जाएगा यह बात सेक्शन 436 में लिखा है कि जब जमानती अपराध के आरोप में किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और वह जमानत देने को तैयार है तो ऐसी स्थिति में पुलिस या न्यायालय के द्वारा ऐसे व्यक्ति को जमानत पर छोड़ दिया जाएगा ही शेल बी रिलीज्ड ऑन बेल यदि अपराध अजमानती हो गिरफ्तारी के पश्चात लगता है कि अभियुक्त अजमानती अपराध किया है स्क्रीन पर देखें तो धारा फोर थर्टी सेवन के प्रावधान लागू होंगे और फोर थर्टी सेवन के आधार पर ऐसे अभियुक्त को सशर्त जमानत या जमानत पर छोड़ा जा सकता है तो दोनों स्थितियां मैंने बताया कि वारंट सहित गिरफ्तारी जो हो रही है वारंट सहित गिरफ्तारी पर यदि जमानती अपराध है तो अभियुक्त को जमानत पर छोड़ा जाना न्यायालय के लिए बाध्य कर है और यदि यह जमानती अपराध किए जाने के आरोप में वारंट सहित गिरफ्तार हुआ सामान्य होता नहीं है क्योंकि मैंने ही दिया कि अजमानती मामलों में पुलिस अभियुक्त को बिना न्यायालय के आदेश के कभी भी गिरफ्तार करने की पावर रखती है तो अजमानती मामलों में साधारणतया अभियुक्त को गिरफ्तार करने की पावर न्यायालय के आदेश के बिना वारंट के बिना भी पुलिस रखती है लेकिन यदि अजमानती अपराध किया है और जमानत देने को तैयार है तो ऐसी स्थिति में और न्यायालय को लगता है कि इसको जमानत छोड़ने पर या साक्ष को नष्ट नहीं करेगा साक्षियों को धमकाने का प्रयास नहीं करेगा तो न्यायालय सशर्त कंडीशनल बेल और जमानती मामलों में ऐसे अभियुक्त को दे सकता है जब तक अन्वेषण विचाराधीन है जब तक जांच विचाराधीन है या ट्रायल पेंडिंग है तो ऐसे उस दौरान अभियुक्त को रिहा करने का रिलीज करने का बेल पर छोड़े जाने का आदेश न्यायालय दे सकता है अब आते हैं बांड क्या है गिरफ्तारी के पश्चात अभियुक्त से बांड बंध पत्र का भरवाया जाना बॉन्ड इसको हिंदी में लिखा बंधपत्र आप स्क्रीन पर देखें यह बंधपत्र दो रूप में हो सकता है या तो व्यक्तिगत बंधपत्र हो सकता है पर्सनल बांड या बेल बांड हो सकता है बेल बांड सामान्यतः और जमानती अपराध में लिया जाता है और पर्सनल बांड जब अपराध जमानती हो ये मैंने सुविधा के दृष्टिकोण से व्यवहारिक रूप में होता है कि बंधपत्र जो बांड पर्सनल बांड है वह छोटे अपराधों में जमानती अपराध में अभियुक्त से उसको व्यक्तिगत बंधपत्र पर छोड़ दिया जाता है और यदि अपराध गंभीर है तो उसके व्यक्तिगत बंधपत्र के साथ ही साथ बेल बांड भी बढ़वाया जाए उसकी तरफ से गारंटर भी लिए जाएं जो उस बात की गारंटी दे कि न्यायालय के समक्ष अथवा पुलिस के समक्ष अन्वेषण के दौरान वह सहयोग करेगा और कोर्ट में न्यायिक प्रक्रिया के दौरान भी वह न्यायालय को सहयोग प्रदान करेगा तो बंद पत्र बोला जाए तो बॉन्ड किसी भी व्यक्ति के द्वारा प्राधिकारी को दिया गया लिखित आश्वासन कि वह प्राधिकारी के द्वारा बताए गए समय और स्थान पर अपने आप को हाजिर करेगा या यदि वह बंद पत्र है तो वह बंद पत्र में बेल बॉन्ड के माध्यम से इस बात की गारंटी लेता है कि यदि अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष न्यायालय के द्वारा निर्धारित किए गए तारीख और समय पर अभियुक्त को प्रस्तुत करेगा हाजिर करेगा यह बंधपत्र जो बेल बांड है बंधपत्र मैंने आपको प्रीवियसली लेक्चर में बताया था कि न्यायालय के द्वारा अभियुक्त को प्रोड्यूस करने की न्यायालय के समक्ष अथवा पुलिस को सहयोग करने के लिए एक कंपेल करने की कानूनी बंधन में बांधने की एक प्रक्रिया है कि वह कानूनी बंधन में बंधा रहेगा तो इससे बाहर नहीं जा सकता है बंधपत्र निष्पादित करता है अपनी तरफ से गारंटर देता है तो गारंटर की भी ये ज़िम्मेदारी होगी कि अभियुक्त अगर उस प्रकार के अपराध की पुनरावृत्ति करता है या बंधपत्र की किसी कंडीशन का वायलेशन करता है तो न केवल बंधपत्र उसका संपरण होगा समाप्त होगा बल्कि उसे एक अन्य अपराध के लिए भी अभियोजित और दंडित किया जा सकता है तो यह जो बे है बांड है एक प्रकार से सोचें इसको शुद्ध भाषा में कि एक बंधन है बंधन पत्र है वह बंधन पत्र किसके लिए कि अथॉरिटी और अभियुक्त के मध्य एक प्रकार से एग्रीमेंट हुआ है कि अथॉरिटी ने कहा है कि मैं तुम्हें इस आधार पर छोडूंगा यदि तुम अपने इस प्राधिकारी के समझ इस बात की लिखित गारंटी दो कि इस प्रकार के अपराध की पुनरावृत्ति नहीं होगा और इस बात की गारंटी आपकी तरफ से आपका कोई सगा संबंधी भी गारंटी देने वाले को प्राधिकारी को कि अपराध की पुनरावृत्ति नहीं होगी और यह पुलिस को अन्वेषण में सहायता प्रदान करेंगे न्यायालय को भी ट्रायल विषाण जांच में सहायता प्रदान करेंगे और इस आश्वासन के साथ अभी को छोड़ा जा सकता है तो ये हो गया बंधपत्र बांड। अब आते हैं इसके पश्चात उद्घोषणा और कुर्की का प्रावधान उद्घोषणा कुर्की उद्घोषणा क्या है और देन कुर्की इसको धारा बयासी और तिरासी की कार्रवाई इसको सामान्यतः हम पढ़ते हैं बहुत लोकप्रिय है भाषा में इसको हम उद्घोषणा या कुर्की के रूप में जानते हैं कि धारा बयासी और तिरासी की कार्रवाई हो रही है क्या समन पर यदि अभियुक्त उपस्थित नहीं होता स्क्रीन पर आप देखें यदि समन न्यायालय के द्वारा जारी हुआ अभियुक्त उपस्थित नहीं हुआ तो धारा एटी टू उद्घोषणा की कार्रवाई कैसे की जाएगी मैंने लिखा है समाचार स्थानीय समाचार पत्र में उद्घोषणा प्रकाशित किया जाएगा 2005 हजार संशोधन उद्घोषणा के पश्चात न्यायालय में उपस्थित न होना एक प्रकार से अपराध है ये आई की सेक्शन 124 ए में दिया हुआ है वारंट पर अभियुक्त फरार हो रहा है तो भी उद्घोषणा जारी की जाएगी ये भी इसमें दिया हुआ है वारंट और समन पर अभियुक्त न्यायालय के समक्ष नहीं आता जब उद्घोषणा यह भी न्यायालय के एक आदेश है उद्देश्य इसका होता है टू कंपेल द एक्यूज टू अपियर बिफोर कोर्ट ये भी मैंने लिखा है अब देखते हैं कि प्रोक्लेमेशन इसको बोलते हैं इंग्लिश में प्रोक्लेम करना प्रोक्लेमेशन उद्घोषणा जहां पर समन और वारंट निर्गत किए जाने के पश्चात अभियुक्त न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता वारंट में निर्धारित समय के भीतर यदि यह अभियुक्त अपने आप को न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता तो ऐसी स्थिति में उस अभियुक्त को उद्घोषित किया जाएगा उद्घोषणा भी न्यायालय के द्वारा निर्गत किया गया आपराधिक मामलों में एक आदेश होता है जिसके अंतर्गत अपराध की प्रकृति के आधार पर उस अभियुक्त को उद्घोषित किया जाता है कि यह कि वह अभियुक्त कानूनी प्रक्रियाओं का अनुपालन नहीं कर रहा है समन और वारंट की अनदेखी कर रहा है जारी करने के पश्चात भी वह न्यायालय के द्वारा निर्धारित समय के भीतर अपने आप को न्यायालय में उपस्थित नहीं किया अतः आज दिनांक आज दिनांक सो एंड सो से इस अभियुक्त को उद्घोषित किया दुद। जाता है कि यह अब भगोड़ा घोषित किया जाए यह भी एक प्रकार का उद्घोषणा जैसे मैंने बताया प्रोक्लेमेशन भी न्यायालय के द्वारा निर्गत किया गया एक आदेश है जिसमें अभियुक्त को कंपेल किया जाता है उद्वेश किया जाता है कि वह अपने आप को न्यायालय के समक्ष उपस्थित करे और उद्घोषणा जारी किए जाने के आदेश के 30 दिन के भीतर यदि अभियुक्त न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता तो उसकी समस्त चल और चल संपत्ति कुर कर ली जाएगी यह भी एक प्रकार से अभियुक्त भि, को विवश करने के लिए एक आदेशिका है जिससे कि न्यायालय के समक्ष वो अपने आप को प्रस्तुत कर सके तो जैसा कि मैंने बताया कि उद्घोषणा और कुर्की दोनों क्या हैं और कैसे होंगी कब होंगी यह कंडीशनल है उद्घोषणा प्रोक्लेमेशन कभी ऐसा नहीं होगा कि पहले उद्घोषणा कर दी जाए और वारंट बाद में हो यह क्रमवार है पहले सम्मन अगर मैं इसको स्क्रीन के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूं, तो इसको एरो के माध्यम से पहले होगा सम्मन सम्मन के बाद होगा वारंट वारंट के बाद होगा हम इसको बोलते हैं एन संक्षेप में गैर जमानती वारंट उसके बाद बोलते हैं उद्घोषणा उद्घोषणा और उद्घोषणा के बाद ये है कुर्की ये इसी क्रम में होगा जैसे मैंने एरो बताया है नीचे से ऊपर तक इसी रूप में ये होता भी है देखिए पहले क्या लिखा मैंने समन प्रथम है वारंट द्वितीय है एन बी डब्ल्यू तृतीय है उद्घोषणा चार है कुर्की पांच है तो अगर कहा जाए तो सामान्यतः न्यायालय के द्वारा आपराधिक मामलों में ये पांच स्टेप लिए जाते हैं पहला होगा सम्मन दूसरा होगा वारंट तब भी अभियुक्त तो नहीं आया गैर जमानती वारंट जारी कर दें गैर जमानती पर भी अभियुक्त तो नहीं आया तो उद्घोषणा जारी कर दें उद्घोषणा पर भी अभियुक्त तो नहीं आया तो उसकी संपत्ति चल चल और अचल संपत्ति को कुर कर दी जाए अटैच कर दी जाए ये कैसे पांच जो आदेशिकाएँ हैं इनको आप देखें मैंने लिखा हुआ सेंडिंग ऑर्डर में नीचे से ऊपर के लिए कि कब समन मामलों में न्यायालय के द्वारा वारंट जारी किया जा सकेगा ये भी पावर न्यायालय को आपराधिक मामलों में सीआरपीसी की धारा 87 में दिया गया है दंड प्रक्रिया संहिता उन्नीस की धारा 87 सेवन यह प्रावधानित करती है कि कब किन परिस्थितियों में समन मामला होते हुए भी न्यायालय वारंट जारी कर सकता है और समन मामले की प्रक्रिया को वारंट मामले की भांति ट्रीट करते हुए विचारण कर सकता है तो ये धारा एट्टी सेवन में न्यायालय को प्रावधान दिया हुआ है मैंने आपको इस स्लाइड के माध्यम से बताने का प्रयास किया कि जितने भी ये प्रोसेस हैं जितने भी स्टेजेज हैं एक प्रकार से कोर्ट के आर्डर हैं न्यायालय के द्वारा निर्गत किए गए आदेशिकाएँ हैं जिससे कि अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष आने के लिए विवश किया जाता है कंपेल किया जाता है तो अभी बात क्लियर हो गई कि समन वारंट गैर जमानती वारंट उद्घोषणा और कुर्की प्रोक्लेम किया जाना एक प्रकार से न्यायालय के माध्यम से अपनाई जाने वाली एक टफ प्रक्रिया है कठोर प्रक्रिया है जिसमें न्यायालय को प्रतीत होता है कि अभी ये वारंट जारी किया गया तभी नहीं हाजिर हो रहा फरार चल रहा है तो कैसे इसको विवश किया जाए अब इसको भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा उद्घोषित कर दिया जाएगा इनामी बदमाश इसको कर दिया जाएगा जैसे साधारण भाषा में समझने के लिए बोलें तो उद्घोषणा जारी उद्घोषणा के आदेश के तीस दिन के भीतर अगर ये न्यायालय में अपने आप को हाजिर नहीं करता सरेंडर नहीं करता तो उसके पश्चात क्या किया जाए ये धारा तिरासी में दिया हुआ है उसकी संपत्ति चल और अचल संपत्ति को कुर कर दिया जाए अब पुनः इसको स्क्रीन पर देखें इसमें लिखा है संपत्ति की कुर्की का प्रावधान धारा एटी थ्री कब संपत्ति कुर कर ली जाएगी यह धारा एटी थ्री में दिया हुआ है सीआरपीसी की सेक्शन एटी थ्री प्रावधानित करती है कि यदि उद्घोषणा के तीस दिन के भीतर न्यायालय में उपस्थित नहीं होता अभियुक्त तो अभ्युक्त की चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्ति को अटैच कर लिया जाएगा कर्क कर लिया जाएगा कब उद अटैचमेंट उद्घोषणा और कुर्की दोनों एक ही साथ जारी किए जा सकते हैं स्वयं प्रावधान दिया गया है कि जब अपराध गंभीर हो और ऐसा प्रतीत होता है कि अगर संपत्ति कुर्क नहीं की गई तो अभियुक्त उस संपत्ति को हटा देगा या पुलिस के द्वारा लिखित आवेदन पर न्यायालय में आवेदन किया जाए कि अगर इसकी संपत्ति कुर्क नहीं की जाएगी तो ऐसी आशंका है कि अभियुक्त अपनी चल और चल संपत्ति को हटा देगा जो चल संपत्तियां हैं कार बाइक ये सब वह घर से हटा रहा है इसलिए कि उससे आशंका हो गई है कि उसकी संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी ऐसी स्थिति में न्यायालय अभियुक्त को उद्घोषित करते हुए उसी आदेश में उसकी संपत्ति को कुर करने का आदेश भी दे सकता है तो प्रश्न यह है कि क्या उद्घोषणा और कुर्की दोनों एक साथ हो सकते हैं तो उत्तर हमेशा सकारात्मक होगा कि दोनों एक साथ हो सकते हैं उद्घोषणा और कुर्की दोनों एक साथ किए जा सकते हैं कब जब संपत्ति को हटाने का डिस्पोज ऑफ करने का या बयान करने का ये न्यायालय को आभेस हो जाता है कि अभियुक्त संपत्ति का डिस्पोज ऑफ कर देगा सेल आउट कर देगा तो ऐसी स्थिति में उस चल और अचल संपत्ति को न्यायालय कुर्की का आदेश दे सकता है धारा एटी थ्री के अंतर्गत लेकिन ऐसा कोई भी आदेश दो भी बातें हैं सामान्य नियम दिया गया है कि उद्घोषणा के तीस दिन के भीतर कुर्की की जाएगी सॉरी उद्घोषणा आदेश के तीस दिन के पश्चात ही कुर्की की जानी चाहिए कम से कम अभियुक्त को तीस दिन का एक अवसर दिया जाए एक अपॉर्चुनिटी दी जाए कि आज उसको अगर प्रोक्लेम किया गया तो तीस दिन का पर्याप्त समय है यदि वो अपने आप यदि गलती को प्रायश्चित करता है और पछतावा करना चाहता है और न्यायालय के समक्ष आकर के यह माफ़ी मांगता है उद्घोषणा जारी होने के तीस दिन के भीतर तो ऐसी स्थिति में उसकी संपत्ति कुर्क नहीं की जाएगी लेकिन तीस दिन समाप्ति के पश्चात उसकी संपत्ति कुर्क की जा सकती है तो एक प्रकार से उद्घोषणा जारी करने से तीस दिन तक उसका इंतजार भी किया जाए कि अगर वेट किया जाए हो सकता है अपनी गलती को प्राशित करते हुए वह न्यायालय में अपने आप को सरेंडर कर दे हाजिर कर दे यदि तब भी हाजिर नहीं होता तो कानून कहती है अब उसके प्रति किसी प्रकार की उदारता बरती नहीं जानी चाहिए अब उसको अरेस्ट किया जाना चाहिए गिरफ्तार किया उसकी संपत्ति को कुर कर दिया जाना चाहिए तो धारा तिरासी की कार्रवाई करते हुए ऐसा न्यायालय उस अभ्युक्त की समस्या चल और चल संपत्ति कुर्क कर सकता है अब एक जजमेंट इस पे है देखिए मैंने लिखा है स्क्रीन पर कि देवेंद्र सिंह नेगी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य स्टेट ऑफ यूपी 1994 सीआरएलजे इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो जजमेंट है इलाहाबाद कोर्ट ने निर्णय दिया कि 30 दिन की समाप्ति के पूर्व कुर्की नहीं है अब यह केस टू तो केस डिपेंड करता है कि उद्घोषणा या कुर्की दोनों एक साथ हो सकती हैं या पहले उद्घोषणा प्रोक्लेमेशन देन कुर्की या प्रोक्लेमेशन के एक निश्चित समय की व्यतीत हो जाने के पश्चात ही कुर्की होगी उसके पहले नहीं इसको लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निर्णय दिया कि प्रोक्लेमेशन हो जाने के पश्चात तीस दिन के भीतर यदि अभियुक्त तो नहीं आता तो इकतीसवें दिन जो होगा या उस तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात उसकी समस्त चल और अचल संपत्ति कुर की जा सकती है अब एक तो यह बेसिक नियम दिया गया उसी को हाई कोर्ट ने इस देवेंद्र सिंह नेगी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के केस में मान्यता प्रदान कर दी निर्णित कर दिया परंतु दूसरी बात यह है कि उद्घोषणा और कुर्की दोनों एक ही आदेश में भी हो सकता है ऐसा नहीं कि इसके लिए आ, अलग से कोई आदेश होगा दोनों अलग अलग बातें हैं मैंने समझाने बताने का प्रयास किया है कि कब अलग आदेश नहीं होगा हु? तो ये हो गई समन वारंट उद्घोषणा और कुर्की उसके पश्चात अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का उल्लेख अब देखते हैं कि अगर संपत्ति जो अटैच की गई कुर की गई है वह संपत्ति का दावेदार कोई दूसरा है तो संपत्ति कुर किए जाने के तारीख से कितने अवधि के भीतर वह दावेदार अपना क्लेम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर देना चाहिए उदाहरण के तौर पर जैसे किसी व्यक्ति ने बाइक लोन पर लिया है किसी बैंक से तो वह बाइक जो है बैंक की प्रॉपर्टी मानी जाएगी जब तक कि बैंक का बकाया धनराशि चुकता न कर दिया जाए वह स्वामी वह जो बाइक का ओनर है वास्तव में उस बाइक का ओनर वह नहीं है कब्जाधारी है ओनर वो उस, उस प्रॉपर्टी का ओनर जो है वह बैंक है जिसने उस बाइक की कीमत को फाइनेंस किया है चुकता किया है पैसा दिया है तो अंतिम रूप से उस बाइक का ओनर तो बैंक है अगर बाइक बेची जा रही है कुर्की की जा रही है तो ऐसी स्थिति में वह बैंक आगे आकर के कह सकता है कि इस इस प्रॉपर्टी को बेचने के पहले उस बैंक को स्वामी को ज़रूर कंसल्ट किया जाए एक बात यह हो गई अर्थात संपत्ति कुर किए जाने की स्थिति में किसी भी दावेदार के द्वारा उस कुर किए जाने की संपत्ति का दावा कुर किए जाने के आदेश की तिथि से छह माह के भीतर अवश्य कर दिया जाना चाहिए एक कानून भी है जहां पर एक तरफ दंड प्रक्रिया संहिता उन्नीस न्यायालय को यह शक्ति प्रदान करती है कि वह अभियुक्त के चल और चल संपत्ति को कुर कर दे यदि वह न्यायालय के आदेश का अवहेलना कर रहा है तो उसको संपत्ति को कुर करते हुए उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करे दूसरी तरफ उस अभियुक्त के चल संपत्ति या यदि का स्वामी कोई अन्य व्यक्ति है तो उस अन्य व्यक्ति के हितों को ध्यान में रखते हुए भी कानून अन्य व्यक्ति का जो स्वामी संपत्ति का वास्तविक स्वामी है उसके हितों हितों की संरक्षा करने का दायित्व तो भी कानून का ही है तो कानून ने उसके दायित्व तो के हितों की संरक्षा के लिए यह प्रावधान किया कि कुर्की हम तुरंत नहीं करेंगे एक छः महीने का समय देंगे अगर छः महीने के भीतर जो भी दावेदार हैं अगर दावा कर देते हैं कि इस संपत्ति को कुर किए जाने से पहले उनकी सहमति ले ली जाए या कुर किए जाने के पश्चात जो प्रॉपर्टी स्वामी की है वह पैसा जो संपत्ति को बेच कर आया है वह पैसा प्रॉपर्टी ओनर को दे दिया जाए तो न्यायालय ऐसी स्थिति में कुर संपत्ति को कुर कर करके यदि प्रॉपर्टी नश्वर है छहसील है समाप्त होने खराब होने वाली है तो क्षयशील संपत्ति होने की स्थिति में उस प्रॉपर्टी को विक्रय करके उतना पैसा जितना पैसा उस पर शोध है बकाया है उस लेनदार को क्रेडिटर को दे दिया जाएगा क्योंकि प्रॉपर्टी का मालिक वह क्रेडिटर है जिसने पैसा ब्याज पर जितने पैसा उस संपत्ति को दिया था तो बैंक ऐसी स्थिति में कुर्की के आदेश के छः महीने के भीतर अपना दावा कर सकता है कि संपत्ति उसका ये हो गया क्लेमिन अब कानून में यह भी अधिकार दिया गया है कि अगर संपत्ति अभियुक्त की जो संपत्ति है वह अच्छे है तो उस संपत्ति को बेच करके प्राप्त धनराशि को सरकारी खजाने में जमा किया जाएगा जिससे अभियुक्त निर्दोष साबित होने पर उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको वापस कर दिया जाए यह सुनिश्चित करने के लिए यह प्रावधान किया गया है अब आते हैं कि जो चल याचल संपत्ति कुर्की की जा रही है उसका दावेदार यदि कोई है तो छः माह के भीतर दावा कर दे अन्यथा वह दावा समाप्त समझा जाएगा यह अधिकार उसके उसके हितों को भी ध्यान में रखते हुए प्रावधान किया गया और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो प्रावधान किया गया कुर्की के विषय में कि जो क्षयशील वस्तु है क्षयशील वस्तु जो समाप्त योग्य होने वाली वस्तु है उसको विक्रय करके उसके पैसे को सरकारी खजाने में दिया जा सकता है जैसे एनिमल्स हैं जानवर हैं पेट जानवर हैं पालतू जानवर हैं उसका अटैचमेंट होगा नहीं क्योंकि छह सी ले कभी भी उनकी डेथ हो सकती है मृत हो सकती है तीन वस्तुओं को विक्रय करके और वह पैसा सरकारी खजाने में होगा और जब न्यायालय के द्वारा ऐसे अभिद को निर्दोष साबित किया जाता है तो अपनी उस पैसे को धनराज को वापस न्यायालय में सूट दायर करके वाद दायर करके ले सकता है कि चूंकि उसकी गिरफ्तारी के समय पुलिस ने संपत्ति को कुर करते हुए प्रॉपर्टी को कुर करते हुए उसके कुछ वस्तुओं को उन्होंने पुलिस ने बिक्र करके पैसा अपने पास रखा है तो मैं समझता हूं कि संपत्ति की कुर्की से संबंधित यह प्रावधान और उद्घोषणा से संबंधित यह प्रावधान अब चूंकि उद्घोषणा भी नागरिक अधिकारों को प्रभावित करता है किसी निर्दोष को कभी भी उद्घोषणा जो प्रोक्लेमेशन है वो भी कुछ शर्तों के अधीन है आप इसको देखें ये धारा बयासी और तिरासी बहुत ही पॉपुलर बहुत ही लोकप्रिय धाराएं हैं आपराधिक मामलों में कोई भी उद्घोषणा किसी भी अभियुक्त के विरुद्ध तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि न्यायालय की के समझ यह साबित न कर दिया गया हो कि अभियुक्त फरार है और न्यायालय के आदेशों की अवहेलना कर रहा है उदाहरण के तौर पर ये न्यायालय की समझ कैसे साबित किया जाएगा कि अभियुक्त फरार चल रहा है इसको पुलिस के पुलिस के द्वारा जिस को वारंट निर्गत किया गया था वही पुलिस न्यायालय में इस बात का लिखित आवेदन देगी कि माननीय न्यायालय के द्वारा निर्गत किए गए गिरफ्तारी वारंट के निष्पादन के लिए यह पुलिस हर उस प्रत्येक स्थान पर गई जहां पर अभियुक्त के छिपे रहने की संभावना थी परंतु अभियुक्त नहीं मिला ऐसी स्थिति में पुलिस ऐसे अभियुक्त को गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाने के पश्चात ही गिरफ्तार नहीं कर पाई यदि इस बात का लिखित आश्वासन न्यायालय को दिया जाए तो संपत्ति उद, उस अभियुक्त के उद्घोषणा के साथ ही साथ उसकी संपत्ति को कुर करने का आदेश दिया जा सकता है तो मैंने जैसा कि बताया आपको न्यायालय कैसे उद्घोषित करेगी न्यायालय को कैसे मालूम कि इसको घोषणा होना है या नहीं होना है इसको प्रोक्लेम करना या नहीं करना है उसके लिए केवल और केवल एक ही क्राइटेरिया है कि धारा सेवेंटी के अंतर्गत जारी किए गए गिरफ्तारी वारंट के बावजूद भी यदि अभियुक्त न्यायालय में प्रस्तुत नहीं होता तो उसका केवल और केवल एक ही अंजाम है एक ही और मेथड है कि अभियुक्त को न्यायालय के समझ कंपेल करने के लिए वह अटैचमेंट उसके विषय में उद्घोषणा जारी की जा सकती है प्रोक्लेमेशन जारी किया जा सकता है और यह प्रोक्लेमेशन जो है व्यक्ति के नागरिक अधिकार को प्रभावित कर सकता है निर्दोष व्यक्ति के अधिकार को प्रभावित न करे यह सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय के समक्ष उस पुलिस अधिकारी का लिखित आवेदन आवश्यक है जिससे न्यायालय संतुष्ट हो सके कि पर्याप्त साक्ष्य हैं उस अभियुक्त के विरुद्ध उद्घोषित करने का या भगोड़ा घोषित करने के पर्याप्त साक्ष्य हैं इसलिए किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध न्यायालय के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उद्घोषणा जारी किए जाने के पूर्व यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि क्या अभियुक्त के द्वारा पूर्ववर्ती आदेशों का अनुपालन नहीं किया गया है यदि पूर्ववर्ती आदेशों का अनुपालन नहीं किया गया है तभी उद्घोषणा जारी होगी अन्यथा उद्घोषणा प्रोक्लेमेशन जारी नहीं हो सकता है तो ये ये ध्यान में रखना है कि उद्घोषणा और कुर्की अटैचमेंट सशर्त हैं कंडीशनल हैं कंडीशन क्या है मैंने आपको वो भी बताई और प्रोक्लेमेशन के पश्चात अभियुक्त का हाजिर न होना न्यायालय के समक्ष यह 2005 से आईपीसी में एक संशोधन करके धारा एक क जोड़ी गई जो ये माना गया कि घोषणा के पश्चात यदि अभियुक्त न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता हाजिर नहीं होता तो एक अपराध है जिसे धारा एक क के अंतर्गत दंडनीय बनाया गया है अब मैं समझता हूँ कि इसके पश्चात जो मैंने कवर किया है बंदपत्र और वारंट सहित गिरफ़्तारी को लेकर के आप इसको एक बार पुनः देख लें कि मैंने समन वारंट गिरफ्तारी गिरफ्तारी वारंट का प्रभाव वारंट सहित गिरफ्तारी पर प्रक्रिया क्या है ये सबसे महत्वपूर्ण जो मैंने एक स्लाइड बनाई है कि वारंट सहित गिरफ्तारी पर प्रक्रिया ये चूँकि बेल के अंतर्गत बेल वाले चैप्टर मैंने इसको बहुत डिटेल्स अपनी पूर्व पूर्ववर्ती व्याख्यान में बताया था कि जहाँ पर अभियुक्त को जवान सहित गिरफ्तार किया जाता है जहाँ पर अभियुक्त को अरेस्ट किया जाए और अरेस्ट आफ्टर अरेस्ट यह प्रतीत हो कि वह जमानती अपराध किया है तो स्वाभाविक है कि जमानती अपराध के वे प्रावधान लागू होंगे उस अभियुक्त पर जो सीआरपीसी के सेक्शन फोर थर्टी सिक्स में दिया हुआ है और 436 थर्टी सिक्स सी आर ये कहता है कि जहाँ किसी अभियुक्त को जमानती अपराध के आरोप में गिरफ्तार किया गया है वहाँ पर अभियुक्त को जमानत पर छोड़ दिया जाएगा यदि अभियुक्त अपना जमानत देने को तैयार है तो ये दो बातें हो गई वहीं पर सेक्शन 437 भी यह प्रावधान करता है कि जब गिरफ्तारी वारंट के सहित की जाती है और गिरफ्तारी के पश्चात ऐसा प्रतीत होता है कि अभियुक्त ने अजमानती अपराध किया है तो अभियुक्त को साधारणतः सामान्यतः जमानत नहीं मिलती है अजमानती मामलों में क्यों और जमानती मामले चुकी तीन वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय हैं तो अजमानती मामलों में अभियुक्त को जमानत देना जमानत न देना ये न्यायालय का डिस्कशन है न्यायालय उसकी अभियुक्त न्यायालय से मांग अधिकारपूर्वक मांग नहीं कर सकता है और यदि गिरफ्तारी हुई है अरेस्ट हुआ है अरेस्ट वारंट धारा सत्तर के अंतर्गत कर जारी करते हुए पुलिस ने उसके निष्पादन में किसी अभियुक्त को गिरफ्तार किया है तो ऐसी स्थिति में और जमानती अपराध की स्थिति में गिरफ्तारी अगर हुई है तो सशर्त कंडीशनल बेल अभियुक्त को दिया जा सकता है सशर्त बेल में अभियुक्त के ऊपर ये शर्त लगाई जा सकती है कि न्यायालय की अनुमति के बिना पूर्वोन्नति के बिना अभियुक्त देश छोड़कर नहीं जाएगा दूसरी कंडीशन कि पुलिस अन्वेषण में अभियुक्त के द्वारा सहयोग प्रदान किया जाएगा तीसरी कंडीशन न्यायालय के द्वारा नियत किए गए तारीख और समय पर अभियुक्त अपने आप को प्रस्तुत करेगा इस प्रकार की शर्तें अजमानती अपराध किए जाने की स्थिति में अगर व्यक्ति को गिरफ्तार करके लाया जाता है तो न्यायालय उस पर इस प्रकार की शर्तें अधिरोपित कर सकता है तो मैं समझता हूँ कि आ, मैंने जो कुछ भी समन वारंट उद्घोषणा कुर्की के विषय में बताया कि समन किस धारा में है वारंट किस धारा में है वारंट की प्रकृति क्या है वारंट किसके नाम से संबोधित होगा कौन इसको एग्जीक्यूट कराएगा वारंट सहित गिरफ्तारी पर प्रक्रिया क्या है और बाड क्या होता है इसमें मैंने बताने का प्रयास किया उद्घोषणा कुर्की अटैचमेंट क्या है प्रोक्लेमेशन क्या है धारा बयासी तिरासी बताने का प्रयास किया संपत्ति की कुर्की धारा एटी वन के अंतर एटी थ्री के अंतर्गत दी गई है अटैचमेंट कब होगा कब नहीं होगा इससे संबंधित मैंने आपको केस बताया और इसके पश्चात ये भी बताने का प्रयास किया कि इलाहाबाद कोर्ट का जो निर्णय है कि 30 दिन समाप्ति के पूर्व कुर्की नहीं होगी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीज़न है कि जो अटैचमेंट है कुर्की जो है वह उद्घोषणा की तिथि के 30 दिन के पश्चात ही होगा उसके पहले नहीं एक बहुत क्लियर कट प्रोविज़न है कि किसी भी अभियुक्त के संपत्ति को कुर्क तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उद्घोषणा जारी किए जाने के तिथि से तीस दिन की समय समाप्ति नहीं हो गई है तो इतना ध्यान रखना है कि तीस दिन के पहले कुर्की नहीं होगी ये हाई कोर्ट ने सामंत एक केस में कहा है लेकिन जहां पर अभियोजन या थाने के भारसाधक अधिकारी के द्वारा न्यायालय में यह साबित नहीं किया जा सका साबित करने में असफल है कि तीस दिन के भीतर अभियुक्त के विरुद्ध अगर वारंट जारी उसको संपत्ति कुर्की नहीं की गई तो हो सकता है कि उस संपत्ति को बेच दे तो ऐसी स्थिति में तीस दिन की समाप्ति के पहले ही उसमें संपत्ति की उद्घोषणा और कुर्की दोनों एक ही आदेश में न्यायालय के द्वारा जारी किया जा सकता है तो इस प्रकार से मैंने आपको समन वारंट प्रोक्लेमेशन और अटैचमेंट से संबंधित आपको सेक्शन 61, सेक्शन 70, 82, 83 बताया सुप्रीम कोर्ट के क्या केस हैं उसको मैंने बताया संविधान के आर्टिकल ट्वेंटी क्लॉज थ्री को कैसे इसमें कनेक्ट करने का प्रयास किया और मैंने मुझे पूरा विश्वास है कि इस व्याख्यान के माध्यम से आप निश्चित रूप से समन वारंट और प्रोक्लेमेशन अटैचमेंट से संबंधित सभी सूचना आप अवगत होंगे इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस व्याख्यान से आपसे समाप्त करता हूँ विद दीज वर्ड्स आई वुड लाइक टू कंक्लूड दिस लेक्चर थैंक यू धन्यवाद